अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिव सदी गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हमने पिछले सत्र में चर्चा की भगवत तत्व की कि भगवान कौन है। तो भगवान जैसे स्वयं को तीन रूपों में प्रकाशित करते हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ज्ञानियों के समक्ष भगवान ब्रह्म के रूप में, परमात्मा के योगियों के समक्ष परमात्मा रूप में और भक्तों के समक्ष भगवान के रूप में। और भगवान का क्या स्वरूप है? अद्वैत ज्ञान परतत्व है भगवान। अर्थात भगवान में कोई द्वैत नहीं है, यानी भगवान से कोई भी पृथक वस्तु नहीं है। सब कुछ उन्हीं के अंदर है, उन्हीं से प्रकट हुआ है, इसलिए उन्हीं की सत्ता से सारी सत्ताएं प्रकाशित होती हैं। और ज्ञान स्वरूप है, परतत्व है, श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ तत्व है, अद्वैत ज्ञान परतत्व है भगवान। इस प्रकार हमने देखा कि भगवान का स्वरूप देखा, फिर भगवान का जो तत्व है, भगवान के कितने अवतार हैं, इस प्रकार से हमने चर्चा की थी कि भगवान कितने अवतार होते हैं, उनके अलग अलग प्रकार के पुरुषावतार, गुणावतार, लीलावतार, मनमंत्रावतार, युगावतार, शक्तियावेश अवतार, छह प्रकार के भगवान के अवतार हैं। फिर भगवान के गुण, तो किस प्रकार से जीव के 50 गुण होते हैं जो सूक्ष्म मात्रा में होते हैं, उसके बाद फिर यही 50 गुण जो हैं देवताओं में अधिक मात्रा में होते हैं, और इसके अलावा 5 गुण और हो जाते हैं, उनके 55 गुण हो जाते हैं। फिर ये 55 गुण ही पूर्ण मात्रा में नारायण के अंदर होते हैं, और उनके अंदर एक 5 गुण और अतिरिक्त हो जाते हैं, इस प्रकार 60 हो जाते हैं उनके पास गुण। और भगवान कृष्ण में 4 गुण और हो जाते हैं, उनकी जो शक्ति, उनकी जो माधुरी है, उनकी जो प्रेम माधुरी, लीला माधुरी, वेणु माधुरी और रूप माधुरी, तो इस प्रकार जो भगवान का माधुर्य है वो उसके कारण 4 गुण और हो जाते हैं। तो इसलिए भगवान कृष्ण में वो 64 गुण माने जाते हैं। तो गुणों के रस के तारतम्य से ही जो है अलग अलग अवतारों के अंदर और कृष्ण में, अवतारी कृष्ण के अंदर भेद पाया जाता है, लेकिन सिद्धांत रूप से वही कृष्ण है, वही राम है, वही नरसिंह है, वही नारायण है। सिद्धांत रूप से कोई भी भेद नहीं है, लेकिन रसास्वादन की दृष्टि से और साधक विशेष की दृष्टि से, साधक के भाव की रुचि के अनुसार ही भगवान स्वयं को अलग अलग शक्तियों को धार, अलग अलग शक्तियों का लेवल लेके और उस अब स्वयं को प्रकाशित करते हैं अलग अलग अवतारों के रूप में। यही एक कारण है, अन्यथा कोई भी भगवान में, किसी भी प्रकार का भगवान, भगवान के अवतार में कोई भेद नहीं है। जैसे देखा था कि एक ही दीपक अनेक दीपक प्रज्वलित करता है, उसी प्रकार भगवान और भगवान के अवतार जो हैं उनमें अभेद है, स्वरूपतः अभेद है। अब भगवान की थोड़ी सी जो शक्तियां हैं हम उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि भगवान की अनंत शक्तियां, थोड़ी सी नहीं है, भगवान की अनंत अनंत शक्तियां हैं। और कैसी हैं शक्तियां? उनकी अचिंत्य शक्तियां हैं, अर्थात बुद्धि से, मन और बुद्धि से परे हैं। जो हम लोग हैं, व्यक्ति लोग, जो जितने भी ब्रह्मांड में लोग हैं, उन सबकी बुद्धि से ही परे हैं भगवान। भगवान को कोई पूर्णतः समझ ही नहीं सकता, तत्वतः कोई जान ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी भगवान को जो उन्होंने कहा है गीता के अनुसार कि मैं जो हूं, उस प्रकार का हम लोग उतना ही जानने का प्रयास मात्र कर रहे हैं। अब भगवान की शक्ति क्या है? जैसे कोई भी कार्य होता है तो हमको शक्ति चाहिए होती है, बिना शक्ति के कोई भी कार्य नहीं होती है। तो इसीलिए कार्य क्या होता है? शक्ति का परिणाम है, कार्य शक्ति का परिणाम है। और शक्ति क्या है? शक्ति कार्य, कर्म कार्य का कारण है। अगर शक्ति नहीं होगी तो कार्य भी नहीं होगा। तो इस प्रकार से जिस वस्तु से कार्य संपादित किया जाता है उसको हम शक्ति बोल देते हैं। अब भगवान का कोई कार्य है क्या? कोई भगवान का तो कोई कार्य नहीं है, क्योंकि वो तो पूर्ण है, उनको कोई अभाव नहीं है। जब उनको कोई अभाव नहीं है तो वो कार्य भी क्यों करेंगे? लेकिन फिर भी भगवान जगत में आकर देखते हैं हम कि कार्य करते हैं, है ना, कार्य करते हैं, लेकिन उनका कोई कार्य नहीं है। तो इसलिए उनके कार्य को क्या बताया गया? लीलाएं बताई गई। उनका कार्य किसी
किसी के कंट्रोल में नहीं है, स्वतंत्र रूप से वो कार्य करते हैं। और भगवान कैसे हैं? चिन्मय हैं, तो चिन्मय तत्व हैं। तो और हमारा जन्म, हमारा जो जगत है वो जड़ है, हमारी इंद्रियां भी जड़ हैं, तो हम लोग अपनी जड़ इंद्रियों से जड़ कार्य करते हैं और भगवान अपनी चिन्मय इंद्रियों से चिन्मय कार्य करते हैं। इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको कार्य नहीं बोलते, भगवान को बोलते हैं लीला, लीला करते हैं भगवान। इसलिए वो गीता में अर्जुन को बता रहे हैं 3:22 में, नमे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नान्वाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। भगवान बता रहे हैं, हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में कोई भी मेरा कर्तव्य नहीं है, क्योंकि ये सारी जो सृष्टि चल रही है ये तो उनकी जो शक्ति है, माया शक्ति, वो चला रही है उनकी आज्ञा के अनुसार। माया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते से चराचरम। तो इस प्रकार माया शक्ति कार्य कर रही है, तो भगवान का कोई कर्तव्य नहीं है तीनों लोकों में। तीनों लोक का मतलब कि इस पृथ्वी लोक पर, पृथ्वी लोक से नीचे और पृथ्वी लोक से ऊपर, इन तीनों लोकों में, पूरे ब्रह्मांड में 14 भुवन है, तो 14 भुवनों में भी भगवान का किसी प्रकार का कोई कर्तव्य नहीं है। और कोई भी ऐसी प्राप्त करने योग्य वस्तु नहीं है, नानवाप्तम अवाप्तव्यम, जो उनको प्राप्त न हो, उनको सभी कुछ प्राप्त है। लेकिन तो भी वर्त एव च कर्मणि, तो भी वो भगवान कर्म करते हैं। हम देखते हैं कर्म करते हैं, भगवान जब अवतार लेकर आते हैं राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, तो वो सारा जो कर्म है वो नर्वत लीला कर रहे हैं, जैसे हम साधारण मनुष्य करता है ऐसे वो भी कर रहे हैं, उनको भी सुख हो रहा है, दुख हो रहा है। वो ऐसा क्यों करते हैं, वो भगवान अगले श्लोक में बता रहे हैं, 23 श्लोक में, यदि ही हम न वर्ते हम जातु कर्मणि अतिन्द्रतः मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। यदि ही अहम न वर्तेयम, क्योंकि यदि मैं ऐसा कहीं नहीं करूंगा, कदाचित जातु मैंने कदाचित, अगर मैं सावधानी पूर्वक कर्म ना करूं तो क्या होगा, हे पार्थ, बहुत हानि हो जाएगी, बहुत बड़ी हानि होगी। क्यों? क्योंकि मम वर्तमान वर्तन्ते, मेरी ही जो है सब प्रकार से जो लोग हैं वो मेरे ही वर्तम का, मेरे ही वर्तम का, वर्त मतलब मार्ग का, मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। अब अगर मैं नहीं करूंगा तो सब लोग भी नहीं करेंगे और बहुत हानि हो जाएगी, फिर तो दुनिया चल ही नहीं पाएगी ठीक तरीके से। और फिर भगवान बता भी रहे हैं कि भगवान का कार्य कैसे है, दिव्य है, अप्राकृत है भगवान के ट्रांसेंडेंटल वर्क्स। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। चौथा अध्याय 9वां श्लोक, ये पहले भी सुन चुके हैं कि भगवान बता रहे हैं मेरे जन्म और मेरे कर्म सब दिव्य हैं, सारे कर्म दिव्य हैं। दिव्य का मतलब क्या है, दिव्य का अर्थ है अप्राकृत है, जैसे हम लोग वर्क करते हैं भगवान ऐसे वर्क नहीं करते हैं, भगवान के वर्क अलग तरीके के होते हैं। भगवान का कोई कार्य नहीं है करने को, लेकिन तो भी वो कार्य करते हैं। तो भगवान कैसे कार्य करते हैं, भगवान के लिए जो है वो अपनी शक्ति से कार्य करेंगे भगवान की, तो भगवान के स्वरूप में, भगवान का जो विग्रह है, तो भगवान का विग्रह कैसा, सच्चित आनंदमय। तो सच्चित और आनंद ये तीन अंश हैं, तो ये तीन अंश जो है वो भगवान की जो एक शक्ति है, स्वरूप शक्ति, उसी से तीनों अंश प्रकाशित होते हैं। तो भगवान की जो अंदर एक ही मुख्य शक्ति है उसको हम बोलते हैं स्वरूप शक्ति, उसको स्वरूप शक्ति भी बोलते हैं, उसको पराशक्ति भी बोलते हैं, उसको योग माया भी बोलते हैं। तो वही भगवान की मेन शक्ति है जो स्वरूप शक्ति है। अब वो स्वरूप शक्ति क्या करती है कि कार्य भेद, कार्य करने के अनुसार अलग अलग तरह के कार्य है ना भगवान के, तो उसके अनुसार स्वयं को तीन भागों में प्रकाशित करती है, तीन भागों में डिवाइड नहीं करती, प्रकाशित करती है। वही शक्ति है लेकिन वो तीन प्रकार के कार्य कर रही है तो तीन भागों में प्रकाशित कर देती है। जैसे एक ही ऑफिसर जो है, कई बार तीन डिपार्टमेंट्स का इंचार्ज होता है, तो एक ही ऑफिसर जो है स्वयं को तीन प्रकार से प्रकाशित कर रहा है, इस डिपार्टमेंट में ये वाला काम करेगा, उसमें वो करेगा, उसमें तीसरा वाला काम करेगा। तो वो कार्य भेद के अनुसार, तो कार्यभेद के अनुसार भगवान की शक्ति स्वयं को तीन पार्ट में प्रकाशित करती है। वो कौन कौन सी हैं? उसके लिए विष्णु पुराण में आया है, विष्णु शक्ति पराप्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्ति ऋष्यते।
विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता, विष्णु की शक्ति है उसको बोलते हैं, एक शक्ति है उसको बोलते हैं परा, पराशक्ति। पराशक्ति मतलब सर्वश्रेष्ठ शक्ति। विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्र व्याख्या तथा परा, तो विष्णु की तीन प्रकार की जो शक्ति है, एक शक्ति को बोलते हैं उसमें पराशक्ति अर्थात चित शक्ति, श्रेष्ठ शक्ति, अंतरंगा शक्ति, योग माया, आत्म माया। ये शक्ति जो है, ये भगवान की जो स्वरूप शक्ति है उसके 100% गुण जो है इस शक्ति में होते हैं। इसको बोलते हैं चित शक्ति। चित शक्ति का मतलब चिन्मय, ये चिन्मय शक्ति है भगवान की जो अपनी शक्ति है, तो सारी की स्वरूप शक्ति के सारे गुण जो है वो इसके अंदर प्रकट हो जाते हैं। दूसरी शक्ति है भगवान की क्षेत्रज्ञाख्या, क्षेत्रज्ञ शक्ति। क्षेत्र बताया गया है भगवान, क्षेत्र बताते हैं शरीर को, 13वें अध्याय में भगवान बताएंगे शरीर को क्षेत्र कहा गया है। और जो इस क्षेत्र को जानता है, जानने का अर्थ होता है ज्ञ, ज्ञ का अर्थ होता है जानना, तो उसको बोला क्षेत्रज्ञ। तो क्षेत्रज्ञ शक्ति है एक। क्षेत्रज्ञ कौन है? शरीर तो है हमारा क्षेत्र, और जो इसको जानने वाला है वो कौन है? जीवात्मा जो इसके अंदर बैठा हुआ है, तो उसको बोलते हैं क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ। जीवात्मा क्या है? क्षेत्रज्ञ। और जो शक्ति है उसको बोलते हैं क्षेत्रज्ञ, यानी कि जो जीव शक्ति है भगवान की, दूसरी शक्ति है उसका नाम है जीव शक्ति। तो वो जो है दूसरी प्रकार की शक्ति हुई। तो पहली शक्ति हुई भगवान की चित शक्ति, दूसरी शक्ति हुई भगवान की जीव शक्ति। जो जीव शक्ति है इसका एक दूसरा नाम और है, उसका नाम है क्षेत्रज्ञ शक्ति या तटस्था शक्ति भी बोलते हैं इसको। तटस्था शक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये तट पर विराजमान है। कि तट क्या है इसको आगे देखेंगे अभी। इस शक्ति के अंदर भगवान के पूरे गुण जो है प्रकाशित नहीं होते हैं, आंशिक गुण प्रकाशित हो जाते हैं जीव शक्ति में। इस जीव शक्ति से ही हम लोगों का प्रकाशन हुआ है, सारे जीवात्मा जो है इसी जीव शक्ति से प्रकाशित हुए हैं, इसको बोलते हैं जीव शक्ति। फिर तीसरी शक्ति है अविद्या कर्म संज्ञान्या। अविद्या रूपी जो कर्म है उस कर्म संज्ञा वाली एक तीसरी शक्ति है, अर्थात वो शक्ति है माया। इसको कर्म को क्या बोला गया? अविद्या। अविद्या रूपी जो कर्म है वो कर्म की संज्ञा वाली जो शक्ति है उसको बोलते हैं माया शक्ति। क्योंकि हम लोग कर्म में परिवर्त हो रहे हैं, ये सब माया के गुणों के वशीभूत होकर हो रहे हैं, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, इन तीनों गुणों के वशीभूत होकर ही कर्म करते हैं। और ये क्योंकि माया शक्ति क्योंकि अविद्या है, इसमें विद्या नहीं है, अविद्या शक्ति है, इसलिए उसको अविद्या रूपी कर्म अर्थात माया शक्ति, ये तीसरी शक्ति हो गई। ये है इसको बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है बहिरंगा शक्ति या जड़ शक्ति या अविद्या या अपरा शक्ति। अपरा का मतलब जो परा नहीं है, अर्थात जो श्रेष्ठ नहीं है। तो इस माया शक्ति में भगवान के विकृत रूप से गुण प्रकाशित होते हैं, विकृत है ये। भगवान की जो स्वरूप शक्ति है उसके आंशिक गुण तो होते हैं जीव शक्ति में, जीव शक्ति भी चिन्मय है, भगवान चिन्मय है, जीव शक्ति भी चिन्मय है, लेकिन ये जो माया शक्ति है जड़ शक्ति बताई गई है। इसलिए इसमें जो वाले वो वाले भगवान के जो गुण हैं, स्वरूप भूत गुण हैं, वो विकृत रूप से प्रकाशित होते हैं। अब ये शक्ति करती क्या है? ये शक्ति क्या करती है? अब ये एक्चुअली जब कोई भी शक्ति होती है जब किसी के अंदर, तो पहले इस बारे में एक बार चर्चा हुई थी कि जब शक्ति होती है तो हमको एक चीज और चाहिए होती है उसके साथ, उसको बोलते हैं वृत्ति। उसको वो क्या बोलते हैं? वृत्ति। वृत्ति का मतलब कार्य करने की इच्छा। जब तक कार्य करने की इच्छा नहीं होगी शक्ति कोई कार्य नहीं करती है। हमें शक्ति तो है कि हम लोग रसोई बना लें, किचन का काम कर लें, लेकिन जब हमारी इच्छा ही नहीं है काम करने की तो हमारी शक्ति बेकार पड़ी रहेगी, हमारे अंदर ही डेड है वो। इसीलिए जो वृत्ति होती है शक्ति के अंदर वो बहुत आवश्यक है। तो शक्ति की वृत्ति होती है वो तीन प्रकार की वृत्तियां बताई गई हैं। इन तीनों शक्तियों की तीनों प्रकार की वृत्तियां हैं, यानी कि इस प्रकार से 9 पॉइंट्स हो गए, 3 शक्ति हो गई और तीनों शक्तियों की तीन तीन वृत्ति अर्थात 3x3। तो तीनों की तीन शक्ति हैं, भगवान की स्वरूप शक्ति की तीन शक्तियां हैं और उन तीनों शक्तियों की तीन तीन वृत्तियां हैं। उन तीनों शक्तियों से तीनों वृत्तियों के अनुसार 9 प्रकार के कार्य संपादित करते हैं भगवान। ये पूरी मैट्रिक्स है 3x3 की। और क्या क्या काम करते हैं भगवान वो हम लोग अभी चर्चा करेंगे। इन तीनों शक्तियों से
उन तीनों शक्तियों की तीनों वृत्तियों से जो नौ प्रकार के कार्य भगवान करते हैं वो कौन कौन से काम हैं वो अभी हम चर्चा कर लेते हैं। अब पहले देख लें कि वृत्ति कौन सी है वो तीन। तो तीन वृत्ति बताई गई है, पहले इसके लिए बताया है श्वेताश्वेतर इस उपनिषद में, न तस्य कार्यम करणंच विद्यते न तस्समस्य अभि अधिकश्च दृश्यते परास्य शक्तिर विविधेय श्रूयते स्वभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। यहां भगवान के बारे में बता रहे हैं, भगवान की अनंत शक्तियां हैं। कैसे? न तस्य कार्यम करणंच विद्यते, भगवान का कोई भी प्राकृत कार्य नहीं है। हमने देखा ना अभी, कोई भी भगवान को जरूरत नहीं है काम करने की, खुद ही कह रहे हैं वो नमे पार्थस्ति कर्तव्यम। तो न तस्य कार्यम, जब उनका कोई कार्य नहीं है तो उनको करण की भी आवश्यकता नहीं है। करण अर्थात इंद्रियां, अंतःकरण और बाह्यकरण होते हैं ना हमारे शरीर में, तो करण अर्थात उनको इंद्रियां भी नहीं चाहिए, अर्थात उनको प्राकृत कार्य के लिए कोई भी प्राकृत इंद्रिय नहीं चाहिए, जड़ कार्य के लिए कोई भी जड़ इंद्रिया नहीं चाहिए उनको। न तत् समस्य, भगवान के समान कोई नहीं है, न तत् समस्य उनके समान कोई नहीं है। अभी अधिकश्च दृश्यते, तो फिर उनसे अधिक कैसे होगा, जब कोई समान ही नहीं है तो उनसे अधिक होने की संभावना ही नहीं है। तो पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी उनसे अधिक या उनके समान कोई भी नहीं देखा जाता। लेकिन फिर भी परास्य शक्तिर विविधेय श्रूयते, उनकी अनंत शक्तियां हैं। परास्य मतलब पराशक्ति, उनकी एक पराशक्ति है और वो अनंत अनंत रूपों में प्रकाशित होती है, विविधेश्च श्रूयते सुनी जाती है। लेकिन उनमें से तीन शक्तियां प्रमुख हैं, स्वाभाविकी जो स्वाभाविक रूप से उसके अंदर हैं स्वरूप शक्ति में, वो तीन वृत्तियां क्या हैं, ज्ञान बल और क्रिया। ज्ञान का अर्थ है चित्त, ज्ञान का अर्थ है चित्त, जिससे चित्त अंश प्रकाशित हुआ। भगवान कैसे हैं, सत चित्त आनंदमय, तो भगवान का जो चित्त अंश है वो इस वृत्ति से प्रकाशित हुआ, ज्ञान वृत्ति से यानी चित्त वृत्ति से। इसको दूसरा इसका नाम है संवित वृत्ति, संवित वृत्ति, संवित का मतलब है ज्ञान, ज्ञानमय वृत्ति। नंबर टू बल, बल का अर्थ है संघनी वृत्ति, संघनी वृत्ति से क्या प्रकाशित होती है, सत्ता, अर्थात जो भगवान का सत अंश है, सत चित आनंद में जो सत अंश था वो इस बल शक्ति से, या बल का ही दूसरा नाम है संघनी वृत्ति, इस संघनी वृत्ति से प्रकाशित होता है। और फिर तीसरा है क्रिया, क्रिया जो है ये इससे, इसका दूसरा नाम है आह्लादनी वृत्ति, जो आनंद देने वाली है, जिनसे भगवान लीलाएं करते हैं, क्योंकि जब लीला होती है तभी आनंद होता है। तो जो क्रिया शक्ति जो है इससे आह्लादनी वृत्ति प्रकाशित होती है, और इस आह्लादनी वृत्ति से ही भगवान को जो तीसरा अंश था आनंद अंश वो प्रकाशित होता है। हम देख रहे हैं भगवान का जो विग्रह सच्चित आनंद में बनाया गया, वो सच्चित आनंद में इसलिए है क्योंकि भगवान की जो स्वरूप शक्ति है उसके अंदर तीन वृत्तियां पाई जाती हैं। तो उसकी तीन वृत्तियां हैं, सबसे पहले संघनी वृत्ति, संघनी वृत्ति से भगवान की सत्ता प्रकाशित होती है, उससे सत अंश प्रकाशित होता है। नंबर टू भगवान की संवित वृत्ति, स्वरूप शक्ति की संवित वृत्ति, संवित वृत्ति का अर्थ है ज्ञान, तो इससे भगवान का चिद अंश प्रकाशित होता है। और तीसरी है आह्लादनी वृत्ति, जो भगवान का आनंद अंश प्रकाशित करती है। तो ये सच चित आनंदमय जो है वो विग्रह ऐसे ही नहीं बन गया, वो भगवान की जो स्वरूप शक्ति की वृत्तियां हैं उनके अनुसार वो बना है, इसलिए भगवान को बोलते हैं सच चित आनंदमय है भगवान। तो हमारी स्वरूप शक्ति हो गई एक भगवान की, अनंत शक्तियों में से स्वरूप शक्ति अनंत रूपों में है, लेकिन उसमें से तीन शक्तियां प्रमुख हो गई हैं। कौन सी है? संगनी, तो कौन सी तीन शक्तियां प्रमुख हैं? चित्त शक्ति जो 100% स्वरूप शक्ति के गुण होते हैं, दूसरी है जीव शक्ति जिसमें आंशिक रूप से स्वरूप शक्ति के गुण आते हैं, और तीसरी है माया शक्ति जिसमें विकृत रूप से स्वरूप शक्ति के गुण आते हैं। ये तो हो गई तीन शक्तियां। अब इन तीनों शक्तियों की ही तीन वृत्तियां होंगी, चित्त शक्ति की तीन वृत्ति, जो दूसरी हमारी है चित्त शक्ति के बाद जीव शक्ति उसकी भी तीन वृत्ति, और जो माया शक्ति है उसकी भी तीन वृत्ति। अब ये तीन वृत्तियां कौन सी हैं? तीन वृत्तियां हैं, सबसे पहले संघनी वृत्ति, संघनी वृत्ति, संघनी वृत्ति से क्या होता है, सत्ता प्रकाशित होती है किसी भी वस्तु की। दूसरा होता है
संवित वृत्ति, इससे ज्ञान प्रकाशित होता है, और तीसरा है आह्लादिनी वृत्ति, इससे आनंद मिलता है। अब इसके बारे में फिर विष्णु पुराण में ही जाना पड़ेगा, वहां पर बता रहे हैं क्या करती हैं तीनों वृत्तियां। आह्लादिनी संगनी संवेद त्वये का सर्व संस्थित लाद तापकारी मिश्रा त्वयी नो गुण वर्जिते। भगवान से कह रहे हैं, हे भगवान, आप सबके आश्रय हैं, इसीलिए आपके अंदर जो तीनों वृत्तियां हैं, संगनी संवित और आह्लादिनी, आह्लादिनी संगनी संवित त्वयेका सर्व संस्थित, आपके अंदर तीनों की तीनों विराजमान है, चिन्मय रूप से विराजमान है, चिन्मय रूप से एक साथ विराजमान है। और यही वृत्तियां जब जीव शक्ति में आ जाती हैं, जीव कैसा है, जीव माया के बद्ध, जीव माया से बद्ध है, माया के कंट्रोल में है, तो जब जीव माया के बद्ध हो गया तो ये तीनों वृत्तियां जो हैं भगवान की अलग अलग तरीके से अलग अलग तरीके से जो है उसका अनुभव होता है, तीन प्रकार का। जैसे एक होता है अलादकारी, अलाद तापकारी मिश्रा, तीन प्रकार का आह्लाद होता है, या तो या तापकारी मतलब दुख होता है, और या कभी कभी आनंद होता है, कभी दुख होता है। ये तीन प्रकार से जो जीव हैं, मायाबद्ध जो हैं, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण में, उनको इस प्रकार के तीन अनुभव होते हैं इन्हीं वृत्तियों से। अब हम ये देखते हैं, थोड़ा सा डिटेल में जा रहे हैं लेकिन जरूरी है, एक बार ये शब्द दिमाग में बैठ जाएंगे तो आगे काम आएगा, क्योंकि भगवान शक्ति के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में ना जाके इसको कोशिश करेंगे कि अगले लेक्चर तक सिमट जाए भगवान की जो व्रत जो है, ये शक्तियां हैं। शायद दो लेक्चर्स और होंगे, उसके बाद ये जीव शक्ति और माया शक्ति के बारे में बात करके फिर हम लोग उस पर पहुंचेंगे अगले उसमें सब्जेक्ट पर। तो भगवान की जो जीव शक्ति है, सबसे पहले चित्त शक्ति देखते हैं। जो चित्त शक्ति से क्या हो रहा है कि भगवान का जो स्वरूप है, चित्त शक्ति की तीन वृत्तियां हुई ना, चित्त शक्ति जिसको हम पराशक्ति, अंतरंगा शक्ति या योग माया कहते हैं, उसकी तीन वृत्तियां हुई। तीन वृत्तियां हैं, संगनी संवित और आह्लादिनी। संगनी शक्ति से उनका भगवान का स्वरूप प्रकाशित होता है, भगवान का विग्रह प्रकाशित होता है। चित्त शक्ति से भगवान का जो चित्त जगत है, जो वैकुंठ धाम है, वो प्रकाशित होता है। जीव शक्ति से जीव जगत प्रकाशित होता है जिसमें हम रहते हैं। और माया जीव जगत मतलब जीवात्माएं प्रकाशित होती हैं। और माया शक्ति से ये माया जगत जो हमें दिखाई दे रहा है, दृश्यमान जगत, जड़ जगत, ये प्रकाशित होता है। तीन ही लोग हैं इस पृथ्वी के ऊपर, इस मतलब ब्रह्मांड नहीं, पूरा का पूरा सब में मिलाकर। एक तो भगवान का वैकुंठ धाम है, नंबर वन भगवान है और भगवान का वैकुंठ धाम है। नंबर टू जीवात्माएं हैं, इतनी सारी जीवात्माएं हैं, ये भी चिन्मय है, भगवान भी चिन्मय है। और नंबर थ्री जो माया है, उसने जड़ जगत प्रकाशित किया। तो हमारा जो शरीर है और ये संसार है, ये माया का कार्य है। हमारा शरीर माया का कार्य है और ये संसार माया का कार्य है। इस प्रकार से ये तीनों वृत्तियां जो हैं, इन्होंने तीन तीन जगत के अंदर ये काम करती हैं। तो अब तीनों वृत्तियां काम करती हैं इसके अंदर। अब जैसे देखते हैं हम कि भगवान की जो चित्त जगत है, उसमें भगवान जो है प्रकाशित होते हैं कैसे, संगनी वृत्ति से। उनका जो धाम है, उनके जो परिकर हैं, वहां पर जो भी कुछ भी है वैकुंठ धाम के अंदर, वो सब कुछ संगनी वृत्ति से प्रकाशित होता है। फिर भगवान का जो ज्ञान है, भगवान का ज्ञान, भगवान के परिकरों का ज्ञान, फिर परिकरों का भगवान के साथ क्या संबंध है वो वाला ज्ञान, ये सब संवित वृत्ति से। और जो आह्लादिनी वृत्ति से भगवान को जो आनंद मिलता है और जो अपने भक्तों को आनंद देते हैं, वो है आह्लादिनी वृत्ति। उसी प्रकार से जीव शक्ति के अंदर भी यही है। जीव शक्ति में क्या है कि भगवान का जो जीवों का जीव जो उत्पन्न हुए हैं, वो जीव शक्ति से उत्पन्न हुए हैं। जैसे ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन है, तो भगवान कह रहे हैं ना मेरा अंश है जीव। तो ये कैसे हुआ, संगनी वृत्ति से, भगवान की संगनी वृत्ति से ये सारी जीव प्रकाशित हुए हैं। उनका स्वभाव, उनका आकार, उनके गुण, ये सब क्योंकि उस संगनी वृत्ति का कार्य था सत्ता को प्रकाशित करना। और भगवान जो जीव शक्ति की संवित वृत्ति है, उससे ज्ञान प्रकाशित हुआ, आत्मा का ज्ञान। हमें आत्मज्ञान हो जाए, आत्मज्ञान हो जाए तो उसको संवित वृत्ति से वो ज्ञान प्रकाशित होगा। और तीसरा है आह्लादिनी वृत्ति। आह्लादिनी वृत्ति से क्या है, आनंद। तो जो ब्रह्म का आनंद है,
जो आत्मा का आनंद है, जो आत्म साक्षात्कार का आनंद है, वो इस आह्लादिनी वृत्ति से प्रकाशित होता है। और तीसरा माया शक्ति है। माया शक्ति तो इस जड़ जगत के है, उसने क्या बनाया, इस सारे संसार को बनाया भगवान के, और जीवात्माओं का शरीर बनाया, जितने भी शरीर हैं, मनुष्य का शरीर है, जानवर का शरीर, पशुओं का है ना, कीट पतंग स्थावर योनि और देवता आदि सब उसी में आ जाते हैं। तो ये संगनी वृत्ति से प्रकाशित हुए सारे। फिर जो जड़ जगत का ज्ञान है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स के, केमिस्ट्री है, जितना भी ज्ञान है जड़ जगत का, वो सारा का सारा ज्ञान जो है वो संवित वृत्ति से प्रकाशित हुआ। ये जड़ ज्ञान है क्योंकि जड़ इंद्रियों से ग्रहण करने योग्य होता है, इसको विकृत ज्ञान बोलते हैं, यह वास्तविक ज्ञान नहीं है। ये जो वैकुंठ का जो ज्ञान है, जो परमात्मा का ज्ञान है भगवान का, उसका विकृत रूप है ये। इससे भौतिक ज्ञान सारा प्रकट होता है। और उसी प्रकार क्योंकि ये क्या है, इसमें तीनों गुण है ना, सात्विक राजसिक तामसिक, तो इसलिए जड़ ज्ञान बोलते हैं इसको। कुछ मात्रा में सात्विक ज्ञान जो है वो आत्मज्ञान को लक्ष्य करता है। जब हम सात्विक ज्ञान की बात करते हैं तो वो कुछ कुछ आत्मा की तरफ जाता है वो, लेकिन राजसिक और तामसिक तो पूर्णतः भौतिक ज्ञान में आएंगे। फिर तीसरा आनंद, तो जब हम इस संसार में सुख भोगते हैं अपने इंद्रियों से, विषयों का सुख भोगते हैं, तो वही है तामसिक आनंद। तामसिक आनंद है ये, तामसिक और राजसिक आनंद जो है सुख, तामसिक सुख और राजसिक सुख, ये सुख जो है आह्लादिनी वृत्ति से प्रकाशित होता है भगवान इसकी माया शक्ति की। जिस प्रकार से स्वरूप शक्ति में तीन वृत्तियां थी, उसी प्रकार से उस स्वरूप शक्ति की जो तीन पार्ट्स हैं, चित्त शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति, इन तीनों में भी ये तीनों तीनों वृत्तियां आ गई और ये भी अपना अपना काम कर रहे हैं। इस प्रकार से नौ प्रकार के कार्य हो गए हैं पूरे मिलकर। तो नौ प्रकार से ये पूरा का पूरा नौ प्रकार के कार्य हैं। इसका एक चार्ट बनाया है तो वो डाल देंगे इसको नेट उस पर डाल देंगे, इसमें व्हाट्सएप पर तो देख सकते हैं आप उसमें, और क्लैरिटी हो जाएगी कि किस प्रकार से हरेक शक्ति की अलग अलग वृत्ति क्या क्या कार्य करती है। तो ये भी हमारा हो गया आज भगवान की शक्ति के बारे में। अब हम अगली बार चर्चा करेंगे जीव शक्ति क्या है, जीवात्मा हमारी जो आत्मा है इसके बारे में, और फिर उसके बाद जानेंगे हम कि भगवान की जो माया शक्ति है वो क्या है। जीव शक्ति भगवान की, भगवान की माया शक्ति क्या है और किस प्रकार से वो जीव को अपने कंट्रोल में ले लेती है। और उसके बाद फिर एक लेक्चर और करेंगे, उसके अंदर होगा सृष्टि, सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो अभी हम लोगों के कम से कम तीन लेक्चर और बाकी होंगे, शायद तीन में काम हो जाना चाहिए। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।